वीर सावरकर की तस्वीर पर विवाद। विधान परिषद में लगाई गई तस्वीर पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। कांग्रेस नेता दीपक सिंह की सभापति से मांग। विधान परिषद से सावरकर की तस्वीर हटाने की मांग। सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी, बोस के खिलाफ लड़े। विधान परिषद से हटे सावरकर की तस्वीर, बीजेपी दफ्तर में लगाए। यूपी विधान परिषद को इन दिनों सजाने सवारने का काम चल रहा है। इस दौरान आजादी के नायकों को भी सम्मान देते हुए परिषद में उनकी तस्वीरें लगाई गईं। हालांकि इन्हीं के साथ लगाई गई वीर सावरकर की तस्वीर को लेकर विवाद छिड़ गया है। यूपी विधान परिषद में वीर सावरकर के चित्र लगाए जाने को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए इसे हटाने की मांग की है। कांग्रेस MLC दीपक सिंह ने विधान परिषद के अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस चित्र को हटाने की मांग की है। उन्होंने सावरकर के चित्र को आजादी के नायकों का अपमान बताया है। सावरकर जी का शुरुआती जीवन निश्चित रूप से देश के साथ था, लेकिन जेल में जाने के बाद उन्होंने जो माफीनामा दिया, उस माफीनामे में अंग्रेज सरकार के वफादार होने की बात कही, देश में आजादी के मूवमेंट को छोड़ने की बात कही। ऐसे व्यक्ति का हमारे देश के महान क्रांतिकारी जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, लाख यातनाओं को सहने के बाद भी क्षमा याचना नहीं की, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी आजादी के मूवमेंट में अंग्रेजों से गलतियां नहीं मानी, उनके बीच में सावरकर जी की फोटो विधानसभा की गैलरी में लगना पीड़ा पहुंचाती है। उन महान क्रांतिकारियों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, उत्तर प्रदेश वासियों को आहत करती है, खास तौर से तब जब सावरकर जी के बारे में लोग जानते हों कि सावरकर जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ युद्ध का आह्वान किया, उनके खिलाफ युद्ध लड़े, अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान की मुखालफत की, जिन्ना के साथ स्वर में स्वर मिलाते हुए उन्होंने दो भारत की मांग की। ऐसे तमाम तथ्य हैं जो पीड़ादायक हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है इस विधानमंडल की गैलरी से उनकी तस्वीर हटा दें। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उनसे बहुत प्रेम है तो वो ले जाकर अपने संसदीय कार्यालय में उनकी स्थापना कर लें, कांग्रेस पार्टी कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जहां पर देश के ट्रेनी IAS PCS जजेस पत्रकार अन्य तमाम छात्र लोग आते हों वहां पर उनकी तस्वीर लगी होगी तो जो भारतीय जनता पार्टी गलत इतिहास को परोसती है कहीं न कहीं उनसे वो सीख मिलेगी। और ऐसे आदमी को जिन्होंने अपने माफीनामे लिखा है उसे पढ़कर अन्य दीपक ने पत्र में लिखा कि स्वतंत्रता सेनानियों क्रांतिकारियों के बीच सावरकर का चित्र लगाना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और महापुरुषों का अपमान है। वीर सावरकर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के विरुद्ध अंग्रेजों से मिलकर युद्ध किया। अपने समर्थकों को अंग्रेजी सेना में भर्ती कराकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ युद्ध में अंग्रेजों की मदद की। अंग्रेजों की बांटो और राज करो नीति में हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई करवाकर अंग्रेजों की मदद की। मोहम्मद अली जिन्ना ने दो राष्ट्र की बात की तो सावरकर ने भी अपने अहमदाबाद के अधिवेशन में दो राष्ट्र की बात की। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता की मांग को बीजेपी ने निराधार बताया है और कहा कि वीर सावरकर को सम्मान देने की कड़ी में ये चित्र लगाया गया है और इसे हटाया नहीं जाएगा। हालांकि कांग्रेस की मांग के बाद सभापति रमेश यादव ने प्रमुख सचिव को तथ्यों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि वीर सावरकर को लेकर कांग्रेस का ऐतराज नया नहीं है। इससे पहले भी जब बीजेपी ने सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की थी तो कांग्रेस ने इसका जमकर विरोध किया था। फिलहाल विधान परिषद के सभापति ने मामले में जांच करने के निर्देश दे दिए हैं। अब देखना ये होगा कि प्रदेश में फोटो पर हो रही सियासत आगे क्या क्या रंग दिखाती है। अनिल सैनी, पंजाब केसरी TV।